किसी ने कहा है असफलता ही सफलता की जननी है। जय हिंद साथियों, मैं सौरभ सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज की इस दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, असफल कोई नहीं होना चाहता है। हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो हमेशा सफल नहीं होते, कभी सफलता पहले मिल जाती है और कभी बाद में मिल जाती है। हमें हमेशा अपना काम अच्छे से करना चाहिए। जो भी लोग अपनी ज़िंदगी में महान बने हैं उनके हाथ में असफलता ही सबसे ज़्यादा लगी है, उसके बाद वो सफल हुए हैं। हम लोग कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अपनी असफलता से हमें सीखना चाहिए। हो सकता है हमारे काम में कुछ कमी हो। इसी थॉट से जुड़ी हुई एक कहानी है। आप सभी ने गूगल के मालिक लैरी पेज गूगल का नाम ज़रूर सुना होगा। लैरी पेज गूगल बनने से पहले कई बार फेल हुए हैं। एक बार को उन्होंने गूगल को बेचने के लिए एक व्यापारी से भी डील कर लिया था, लेकिन व्यापारी को गूगल अच्छा नहीं लगा और उसने खरीदने से मना कर दिया। उसके बाद लैरी पेज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। आज गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। लैरी पेज ने अपने असफलताओं से सफल होने का रहस्य सीखा है और कभी भी हार नहीं माना है। व्हाट्सएप के मालिक बैरिन एक्ट व्हाट्सएप बनाने से पहले फेसबुक में जॉब के लिए अप्लाई किया था और फेसबुक ने उनको जॉब देने से मना कर दिया था, लेकिन बैरन एक्टर ने हार नहीं मानी और कुछ टाइम तक याहू में जॉब किया और अपने दोस्त के साथ मिलकर व्हाट्सएप को बनाया और बाद में इसी व्हाट्सएप को फेसबुक ने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और आज हर कोई व्हाट्सएप का दीवाना है। अगर बैरन एक्टर ने अपनी असफलताओं से हार मान ली होती तो आज हमारे पास व्हाट्सएप नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम लोग अपनी लाइफ में जब भी असफल हों तो एक बार बैठकर रुककर जरूर सोचें कहाँ कमी रह गई थी और अगली बार उस कमी को ज़रूर पूरा करें, आप ज़रूर सफल होंगे। सफलता के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप सही दिशा में काम करें। आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो, आपको मोटिवेट किया हो, तो इस स्टोरी को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।